नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल क्लासिक चेस न्यूज में। मैं हूं संदीप और मैं लेकर आया हूं आज मेटिंग पैटर्न पार्ट 3। पहला दोनों पार्ट नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर देख लेनी चाहिए। और मेटिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर चेस एक्चुअल में सीखना चाहता है। यहाँ पर देखिए, गार्डिंग पीस होता है बिशप और अटैकिंग पीस होता है रुक, और इस मेट को कहते हैं पिल्सबरी मेट। तो पिल्सबरी मेट यहाँ पर इस सिचुएशन, ये लास्ट सिचुएशन यही होती है जिसमें राजा चेकमेट होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा रुक तो यहाँ है, रुक मेटिंग पीस होता है और बिशप गार्डिंग पीस। तो यहाँ सेक्रीफाई हम कर सकते हैं क्वीन का अगर मेट लग रहा हो तो, अब वहाँ जाएंगे। अब यहाँ सोचेंगे कि अगर मैं पीछे रख के मेटिंग पीस बिशप को बना दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। पिल्सबरी मेट में रुक ही होती है मेटिंग पीस, गार्डिंग पीस होता है बिशप। वैसे भी क्या है, बिशप को नाइट भी मार सकता है, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ उसके बिशप से ये है, पॉन यहाँ भी ब्लॉक कर सकता है, नाइट क्वीन और वो रुक से यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पर कई ऑब्स्टेकल्स हैं तो ये मेटिंग पीस बिशप नहीं हो सकता, मेटिंग पीस है रुक। तो रुक को एक और से रुक सेक्रीफाई करेंगे, डबल चेक था तो रुक किंग से ही खाना पड़ेगा और यहाँ से मेट है। तो ये सिचुएशन होती है पिल्सबरी मेट की। तो आगे से आप गेम खेलते वक्त ध्यान रखेंगे कहीं पिल्सबरी मेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट मेट, इसको कहते हैं डेमिनोज मेट। डेमिनोज मेट में क्या होता है, या डेमियानोज मेट, ये पॉन दो स्क्वायर को गार्ड करता है और वहाँ क्वीन जाके मेट करता है। तो ये सिचुएशंस भी आती हैं गेम में। तो अब कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो फाइनल सिचुएशन है, गार्डिंग पीस बिशप भी हो सकता है पॉन की जगह और क्वीन जाके मेट करता है। तो यहाँ पर बिशप गार्ड कर रहा है दोनों स्क्वायर्स को, किंग कहीं जा नहीं सकता है, बीच में ये नाइट है डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं तो क्वीन जाता मेट करने के लिए। चेक देते हैं, या तो मेट होगा, खाना ही पड़ेगा बाई फोर्स, और ये मेट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका सिचुएशन, बस यही फाइनल पोजीशन होती है। यहाँ पर देखा जाए तो किंग के पास पॉन तो पहुँच गया है, दोनों स्क्वायर भी गार्ड कर रहा है वो, लेकिन क्वीन को वहाँ पहुँचाना, ये दोनों स्क्वायर गार्ड कर रहा है, क्वीन को हमें एस टू पर ले जाना है। और किस सिचुएशन से लेके जाएंगे ताकि वो मेट हो, क्योंकि वहाँ पर रुक से तो मेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्वीन ही मेट करेगा। तो अगर इस टाइप का पोजीशन आपके गेम में बनी हो तो आप बिल्कुल निश्चित रहें कि आपकी जीत पक्की है। और देखिए कैसे जो है बाय फोर्स मेट कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आता है लॉलीज मेट। लॉलीज मेट में क्या होता है, ये पॉन और इस क्वीन की मदद से ऐसे मेट किया जाता है। तो अब यहाँ लॉलीज में क्रिएट भी करना पड़ता है, जैसे कि है कई बार मेटिंग पैटर्न अगर पता हो तो वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, चेक देंगे, राजा कहीं पीछे ही जाएगा और ये कुछ भी कर ले, ये पोजीशन बचाना बहुत मुश्किल होता है, लॉलीज मेट हो गया। अब यहाँ पर भी लॉलीज मेट लगाना है तो देखिए थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक अच्छा थॉट देकर अगर गेम खेलते हैं तो आराम से हम नॉलेज मेट लगा सकते हैं। तो यहाँ बाई फोर्स विन हो जाता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। एक बार कोई प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर भी मेटिंग पैटर्न में फंस जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जिस जो इस पर मास्टरी कर रखा है मेटिंग पैटर्न पर, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, उसके लिए ईजी होता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है और वो हो जाता है। नेक्स्ट है ओपेराज मेट, बहुत फेमस मेट है और इस पर कई गेमें भी है बहुत इंटरेस्टिंग, तो जिससे ग्रैंड मास्टरों ने ग्रैंड मास्टरों को हराया है इस ओपेराज मेट से। तो अब यहाँ पर देखिए ओपेराज मेट लगाना है, यहाँ पर अगर हमारा बिशप हो और गार्डिंग, तो उसका भी बिशप कर रहा है वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सेक्रीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है और ये ओपेराज मेट हो गया। अब यहाँ पर होना है ओपेराज, देखिए बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा कूल माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे मेटिंग पैटर्न आ जाते हैं गेम में और उसको आप कर सकते हैं। आपको रुक वहाँ पहुँचाना है तो कैसे पहुँचा सकते हैं, तो
थोड़ा सा या तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, वैसे तो क्वीन से खा लेंगे और यहाँ से फिर डबल चेक देंगे, किंग को ही हटना पड़ेगा, जगह मिल गया रुक के लिए और ये ऑपेराज मेट पॉसिबल हो गया। अब लास्ट सेक्शन में एक देखते हैं हम एंडरसन मेट। यहाँ पर रुक जो है मेट करता है, कोई भी बड़ा पीस है जो यहाँ पॉन से गार्डेड रहता है या बाकी जगह पॉन से गार्डेड या बिशप से भी विन गार्डेड रहता है, तो हमें किंग को मेट करना रहता है, वो हिल नहीं पाता, किंग कहीं भी हिल नहीं सकता है। पॉन लास्ट सेवन्थ रैंक में रहता है नॉर्मली या बिल्कुल किंग के साथ ही रहता है, तो ये मेट लग जाती है। तो यहाँ तो ये इसका रुक था, तो हम नेचुरल है क्वीन से ले जाके मेट करेंगे। अब यहाँ एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अब आप देखेंगे कि इसको कैसे हम पॉसिबल करा सकते हैं इस मेट को। वैसे तो हमारे दो मेजर पीसेस हैं वहाँ पे, प्लस हमारा जो बिशप है वो गार्ड कर रहा है, वो पूरा इस डायगोनल पर कैप्चर करके रखा हुआ है, और ये दो विशेष इधर लगे हुए हैं। तो अब इसको कैसे फ़ायदा उठाया जाए, हम एंडरसन मेट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर रुक की मदद चाहिए। ये नाइट बीच में डिस्टर्बेंस था, इसको हटा दिया, कोई बात नहीं, सेक्रीफाई कर सकते हैं। और अब देख लीजिए यहाँ पर आया बाई फोर्स मेट है ये सब, ये पॉन पीन था, कुछ नहीं हो सकता था, नहीं ले सकता था रुक को, और यहाँ लग गया ये आपका एंडरसन मेट। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।